नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे चैनल के भी गजेंद्र को देखने के लिए और झारखंड के तमाम खबरों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के भी गजेंद्र को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साहिबगंज जिले के उधवा राधानगर क्षेत्र के बंगालीपाड़ा बहियार में एक 18 वर्षीय विवाहिता ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। धनबाद के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की रेलवे लाइन धंसी, प्रबंधन ने आवागमन पर लगाई रोक। निरसा थाना क्षेत्र के थापर नगर स्थित मैथन पावर लिमिटेड के रेलवे लाइन में मंगलवार को भू धसान हो गया। दोनों ट्रैक के बीच करीब 20 फुट के दायरे में भयंकर धसान हुआ है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज 23 अगस्त जयंती है। रांची जिले के बुंडू देवड़ी गांव से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने संसद तक का सफर तय किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे देश में जनजातीय समुदाय में एक गहरी छाप छोड़ चुके हैं। झारखंड चैम्बर चुनाव को लेकर 27 से 30 अगस्त तक नामांकन होगा। वहीं 2 सितंबर की शाम 4 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 10 और 11 सितंबर को मतदान होगा। 11 सितंबर को देर रात तक परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड के दुमका जिले में एक तरफा प्यार में सनकी आसिक ने 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़िता अंकिता कुमारी नगर थाना क्षेत्र के जेरवाड़ी मोहल्ले की रहने वाली है। घटना के बाद अंकिता को गंभीर हालत में फूलो जानू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कार्यपालक दंडाधिकारी चरणजीत चंद्रजीत सिंह और SDPO नूर मुस्तफा हॉस्पिटल पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। झारखंड के सरकारी स्कूल में बनती है शराब, बिहार में होती है सप्लाई, ऐसे हुआ पर्दाफाश। झारखंड के चतरा जिले में बंद स्कूल में मिनी शराब फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने उसे आज खोज निकाला और भारी मात्रा में विदेशी शराब उपकरण एवं सामग्री बरामद हुआ है। अवैध शराब बिहार में खपाया जाता था और झारखंड व बिहार के 4 तस्करों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ना कोई महामारी आई, ना भूकंप आया, ना कहीं ज्वालामुखी फटा और ना ही बाढ़ आई, लेकिन सरकारी बाबुओं ने एक गांव के 80 लोगों को एक साथ मृत बता दिया। साथ ही उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए। 6 वर्षों से ग्रामीणों को ना तो कोई सरकारी राशन मिल रहा है और ना ही कोई सुविधा। इनमें 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाएँ हैं। सोमवार को अचानक गाँव वाले गढ़वा DC रमेश घोलप के ऑफिस पहुंचे और उनके अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया तो वो भी हैरान पड़ गए। झारखंड CM हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई निर्वाचन आयोग में हुई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। रिटायर IAS दंपति ने दिव्यांग नौकरानी को बना रखा था बंधक, पुलिस ने किया रेस्क्यू। रांची में IAS अधिकारी के फ्लैट से मुक्त कराई गई नौकरानी सुनीता गुमला जिले की रहने वाली है और लंबे समय से रिटायर IAS के घर में पर कैद थी। उसके साथ मारपीट की जाती थी और साथ ही प्रताड़ना भी दी जाती थी। वेतन नहीं मिला तो गुस्साए कर्मियों ने 5 घंटे तक रोका राजभवन और CM आवास का पानी। रांची में मंगलवार को 5 घंटे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने से हड़कंप मच गया। कांके डैम प्लांट में काम करने वाले कर्मियों को इस कार्रवाई के बाद उनको लिखित आश्वासन दिया गया। लिखित आश्वासन मिलने के 5 घंटे बाद जलापूर्ति शुरू की जा सकी है।